खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ की तरफ से प्रत्येक 3 वर्ष में सदस्यता महाअभियान 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलाया जाता है। आयोजित इस अभियान में भैया राम मौर्या, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान संघ, और राज सिंह चौहान, प्रदेश महामंत्री भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश का पट्टा पहनाकर भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। भारतीय किसान संघ की स्थापना 4 मार्च 1979 को तो पंत ठेगड़ी ने की थी। भारतीय किसान संघ का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन, ग्रामीण भारत का उत्थान, सामाजिक उत्थान के साथ किसानों को देश की मुख्य धारा में जोड़ना है। इस बार भारतीय किसान संघ का उद्देश्य, मेरा नाम राज सिंह चौहान है और मैं भारतीय किसान संघ में उत्तर प्रदेश का महामंत्री हूँ। भारतीय किसान संघ जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, किसानों का जागरण करने के लिए के माध्यम से सदस्यता करने का जो विषय है, किसानों का जागरण हो, उन्हें अपनी समुचित व्यवस्था जो कृषि प्रणाली है इसका ज्ञान हो, आने वाले समय में हम उसे शिक्षित करने के लिए संपूर्ण प्रकार के वर्गों का आयोजित कर गांव-गांव में जाकर पुरातन कृषि की शिक्षा दे सकें और जो आज युवा अपनी खेती से विमुख हो रहा है वो वापस खेती करने पे इच्छुक हो सके। इस प्रकार के उदाहरण भारतीय किसान संघ द्वारा आप YouTube, Facebook के माध्यम से भी देखते हो। जो कार्यकर्ता, जो नौकरी करने वाला व्यक्ति बड़े बड़े पैकेज ले रहा है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख पैकेज ले रहा है, भारतीय किसान संघ के संपर्क में आकर आज खेती से जुड़ा है। तो भारतीय किसान संघ का जो सदस्यता का अपना अभियान चला हुआ, उसमें केवल सबसे बड़ा उद्देश्य किसान का उत्थान। किसान का उत्थान होगा तो राष्ट्र का उत्थान होगा। किसानों की गन्ने की फसल के जो गन्ने के रेट हैं वो क्या उचित मिल रहे हैं? लगातार किसान मांग उठा रहे हैं कि उनकी गन्ने की फसल को और उचित दामों में खरीदा जाए और महंगे दामों में खरीदा जाए। गन्ना का जहाँ विषय है कि अपने मेरठ प्रांत और काशी प्रांत का भी कुछ जगह ऐसी है तो उसमें गन्ने की खेती होती है। प्रमुखता से पूरे भारत वर्ष में 600 करीब मिले चीनी शुगर मिले हैं। आज स्थिति देखें तो गन्ना किसानों की बहुत लंबे समय से मांग चल रही है कि गन्ना का भुगतान समय से हो जाए, हमारा 14 दिन में हो जाए। सरकारों से बराबर निरंतर प्रयास रहा, आंदोलन भी हम लोगों ने किए हैं और जब देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।